और उसके बाद और बुला लिए, बुलाने के बाद फिर मुझे वहाँ से उठाने के बाद बोले इसके कपड़े उतारो, तो सीधा कपड़े उतारो, तो मैंने ही उतारे थे, तब पलक में वो करंट लगा के मेरे कपड़े में उसकी टच करना, उधर बटन चालू, तो पूरी चिंगारी की तरह झटका मारता था फिर, लेकिन उसके बाद फिर जो पत्थरे जो लाए वो तो उस समय नहीं पता चला कि पत्थर ला क्या ला, फिर ये पैरों को फैला के रखे, फिर मेरे हाथों को रखे, फिर कोई डालना चालू किया, तो मेरे को ऐसा लगा कि कोई चीज़ ऐसे कुछ मेरे उस अंग में डाल के टेच रहे हैं, मतलब वो कोई डंडा से घुसा रहे थे कि हाथ से, मेरे को समझ में नहीं, पर जलन बहुत देने लगा, बहुत तकलीफ होने लगा, तो मैं चीखती रही। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी राम अभिलाष बागी। दोस्तों आज बात एक ऐसी क्रांतिकारी महिला की जो हम जैसे वंचित समाज के हक अधिकारों के लिए संघर्षरत लाखों लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं। दबे कुचले शोषित वंचित समाज की, खासकर आदिवासी समाज की बुलंद आवाज वीरांगना सोनी सोरी की, जिनको तत्कालीन दंतेवाड़ा एसपी अंकित गर्ग के सामने थाने के अंदर पुलिस द्वारा नग्न करके बिजली के झटके दिए गए, गुप्तांगों में पत्थर डाल दिए गए, चेहरे पर तेजाब फेंक दी गई, पति को जेल में इतना प्रताड़ित किया गया कि बाहर आते ही मौत हो गई, पिता को गोली मार दी गई, भतीजे को जेल में डाल दिया गया, फिर भी यह वीरांगना तानाशाह सरकार और निरंकुश पुलिस के सामने झुकी नहीं, आज भी वंचित समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है। दोस्तों पूरा वीडियो देखकर और आगे वीडियो में खुद सोनी सोरी की जुबानी पुलिस की बर्बरता सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आंखों से आंसू रोक नहीं पाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आजाद भारत में अब भी इस तरह वंचित समाज के लोगों, खासकर महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। दोस्तों सोनी सोरी का जन्म 15 अप्रैल 1975 को छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर में दंतेवाड़ा के एक गांव बड़े बेड़मा के आदिवासी परिवार में जोगी सोरी और मुंगराम सोरी के यहां हुआ था। सोनी सोरी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई और पढ़ाई के लिए उन्होंने स्वयंसेवी संस्थान का रुख किया, जहां पर 12वीं तक की शिक्षा हासिल करने में कामयाब रही। दोस्तों शिक्षा पूरी होने के बाद सोनी सोरी प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका के तौर पर वह ग्रामीण इलाके में पढ़ाने लगी। दोस्तों सोनी सोरी सुर्खियों में तब आई जब साल 2011 में क्राइम ब्रांच ने उन्हें नक्सली समर्थक होने के आरोप में गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंप दिया। छत्तीसगढ़ पुलिस की कस्टडी में सोनी सोरी को बहुत ही अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया गया। जेल में रहते हुए सोनी सोरी ने देखा कि कैसे पुलिस वाले सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि तमाम निर्दोष आदिवासियों को नक्सलियों के नाम पर गिरफ्तार कर जेल में कैद किए हुए हैं। ऐसी युवतियों को देखा जिनके साथ पुलिस वाले खुद बलात्कार किए और नक्सली होने का आरोप लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए। दोस्तों सोनी सोरी ने एक दिन इस तरह हुए अपने और तमाम आदिवासी महिलाओं के साथ क्रूर पुलिस प्रताड़ना को एक लेटर में लिखकर किसी तरह बाहर तक पहुंचाया। इस लेटर जिसमें आदिवासी महिलाओं के साथ पुलिसिया क्रूरता की सच्चाई लिखी थी के वायरल होते ही पूरे देश में छत्तीसगढ़ पुलिस के खिलाफ और सोनी सोरी के समर्थन में जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, महिला आयोग और मानवाधिकार संगठनों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर दोषी पुलिस अधिकारियों और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दोस्तों सोनी सोरी के साथ की गई पुलिसिया क्रूरता को सुनिए खुद सोनी सोरी की जुबानी। फिर पुलिस ऐसे गाड़ियां, 4-5 गाड़ियां वहां पर लाइन लगी हुई थी, मेरे को ऐसा बैठा है दरवाजा खोल के, तो मैं बोली ये हो क्या रहा है, मतलब मेरे कुछ ऐसे करके पूरी सायरन बजाते ला रहे हैं और मेरे फोन में बोल रहे हैं कि इतनी माओवादी, पूरी मीडिया पीछे आगे दौड़ रही है। फिर ऐसे करते दंतेवाड़ा तक लेके सुबह पहुँचाए। अच्छा। सुबह पहुँचाने के बाद फिर मैं वहाँ पर ब्रेस व्रेस की, नाना धोना करी, फिर कोर्ट फेस की 11 बजे करी। कोर्ट पे मेरे परिवार को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। उसके बाद वही वाशनीकर मैडम थी, उनको बोले कि 2-3 दिन का रिमांड में चाहिए इनका पूछताछ के लिए, तो 2 ही दिन का रिमांड दी वाशनीकर मैडम, नहीं दी। फिर मेडिकल में चेकअप भी हुआ सब करके, फिर मेरे को फिर उसी थाना में ले गए। थाना में ले जाने के बाद फिर पूछताछ किए, फिर दूसरे दिन जो अंकित गर्ग SP, वो रविवार का दिन था और इतना पी के, रात में मैं सोई थी
सोई थी 10-11 बजे के आसपास रात के समय। उस समय मेरे को वो लेके मतलब लड़कियां उठानी लगी, मतलब ड्यूटी वाली, उठो उठो एसपी साहब आए हैं। तो क्यों इतना रात में? बोला हाँ आए हैं, चलो। फिर एक रूम में ले गए मेरे को। रूम में ले जाने के बाद फिर वो महिला पुलिस मेरे साथ बैठी थी, उसके बाद मुझे घूर घूर के देखा तो बोलने लगा बटाओ मदर चोद, ऐसी गालियाँ एकदम गंदी गाली के साथ मुझे वो किया। और उसके बाद बोले कि दोनों महिला पुलिस को बोले या जो कुछ भी होगा किसी को कुछ बताना नहीं, बताओगे तुम्हारे साथ क्या होगा, समझ रहे हो ना? जी जी ऐसे कर रहे थे। और यह कुछ भी होता है किसी को कुछ नहीं बताना है, और यहाँ की कुछ नहीं जानते हो, मतलब उनको वहाँ से हटा दिया। फिर पूरा पुरुष वर्क मतलब ड्यूटी में उनको लेके आए। लाने के बाद तो फिर क्या है, वो सामने में टेबल था, उधर से अपना बड़े बड़े वो सिगरेट फूक फूक के बातें कर रहे थे, मेरे ऊपर सिगरेट फूक के मेरे ऊपर धुआं पूरा छोड़ रहे थे, और बहुत गंदी गंदी गालियाँ वो देने लगे कि अब बताओ। थाने में हो रहा था रात। फिर आप बताएगी है हर चीज़ बताएगी। उसके बाद फिर बोला अब बताओ, तुमको तो ऐसी पे छोड़ दूंगा और आराम से यहाँ से निकल जाओगे, लेकिन मुझे बताओ इमांसु सैरी नेटवर्क का नक्सली है, अरुंधति राय, नंदिनी सुंदर, मेघा पाटकर, कोलिन गुंजालेस, प्रशांत भूषण, तो ये कविता श्रीवास्तव, ये सारे मतलब जो हैं शहरी नक्सलवाद हैं, और आप इसमें लिख के दो कि ये लोग शहर के शहरी नक्सलवाद है, और ये हमको खबर देते हैं, हम नक्सल तक पहुंचाते हैं, पूरा का ममिन के सपोर्ट में करते हैं, ये आपको लिखनी होगी। और मैं अच्छी तरह जानती कि ऐसा ही हम लोग काम लिंगा कुड़ोपियर में करते थे। तो मैं बोली ये सब चीज़ें तो कभी हुआ ही नहीं, मैं जानती ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों लिखूँ? लिखेगी या फिर नहीं, फिर या जेल जाएगी या मार दूँगा, यही बोलते थे। मैं बोली मैं कुछ नहीं लिखूंगी। तो उसके बाद पढ़ने में कोरा पन्ना में दस्तखत कराने की कोशिश की, तो मैं कोरे पन्ने में भी दस्तखत नहीं करी। तो उसके बाद फिर वही बोले कि ना ये ऐसी नहीं सुधरेगी, बोल के फिर गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। और उसके बाद और बुला लिए, बुलाने के बाद फिर मुझे वहाँ से उठाए, उठाने के बाद बोले इसके कपड़े उतारो, तो मैं वो चिल्ला मतलब वो गिड़गिड़ाने लगी, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो, इस तरह से कर। फिर मेरे को मारे, मतलब लात से मारे, फिर मैं गिर भी गई, फिर मेरे को उठाए ये लोग, उठा के फिर कड़क, मतलब उस वो जो रात जो थी इतना भयानक हुआ उस रात के दौरान, जिसमें मैं क्या आज भी मेरे दिमाग के मेमोरी में वो सारी चीज़ें बैठा हुआ कि मेरे साथ क्या 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 हुआ है उस सुबह। तो ये ऐसे करते रहे। उसके बाद बोले नहीं अब इसको सीधा कपड़े उतारो, तो मैं नहीं उतारे थे, तब पलक में वो करंट लगा के मेरे कपड़े में उसकी टच करना, उधर बटन चालू, तो पूरी चिंगारी की तरह झटका मारता था। फिर मैं चुप मतलब ये हो जाती थी, ऐसे कर करके फिर मेरे सारे कपड़े को उतरवा दिए। उतारने के बाद फिर उतर गए, फिर खड़े करे दीवार में एकदम पूरे, एक भी मेरे तन में कपड़े नहीं थे। और उतारने के बाद मुझसे फिर अंकित गर्ग जो SP वो मुझसे ये कहता है कि स्थानों को देख के मेरे शरीर के ये औरत कैसे मादरचोद, ऐसे सीधा बोलते थे, कैसे मादरचोद, कैसे रंडी, ये बताओ तेरे में तो तेरा शरीर ऐसा दिखता भी नहीं है, तो तू ये बता तू अपने घर में नक्सलवाद को कैसे सक्सेस पूर्ति करती है, तेरे से उतना सक्सेस पूर्ति हो जाता है उनका, इतना संतुष्ट कर पाती, शरीर तो नहीं दिखे, बहुत ऐसी गालियाँ में। और उसके बाद बंदूक के नोक से मेरे मतलब चेस्टों को ऊपर उठाना नीचा करना ये सब वो करवाने, वो बंदूक के उससे बट से, तो इसका उठा के देखो क्या पुते झूल गई है, ढीला हो गया ये, मतलब कितना गंदे गंदे बात, ये कहाँ से इसका शरीर तो उस लायक भी नहीं है। और बस अब क्या बता रही है तू कि क्योंकि एक बार ना तिरंगा झंडा माओस्ट के साथ मेरे हॉस्टल में उधर पूरा काला झंडा फहराया जाता था, तो मेरी 15 अगस्त के साथ तो तिरंगा झंडा मैं मतलब पहराने की मेरी और माओस्ट के बीच में हुई, तो वो माओवादी आए और बोले कि तिरंगा झंडा नहीं पहरेगा काला झंडा पहरेगा, तो उसके लिए मेरी एक लड़ाई हुई थी। तो वो वाली बातों को अंकित करके सी बोलती बड़ा बताती है कि मैं काला झंडा की जगह तिरंगा झंडा बता, इतनी बड़ी वो है तू, तेरी औकात है तिरंगा झंडा पहराने की, और बड़ा बड़ा बातें करती है, अपनी मांसू गुरु जी को बताती कि ऐसा करती है। तो उस समय क्या हुआ था, तिरंगा को निकाल उतारने के लिए माओस्ट आए और बोले इस काले झंडे को आप होता, तो हम बोले नहीं हम तिरंगा ही पहराएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम काला झंडा मैं नहीं पहन, क्योंकि मतलब कुछ सर ने लिखे थे अच्छा। कि उस जगह पे उसने तिरंगा पहराया मावा मतलब काले झंडे उस बात को भी बोले, तो जब वो भी पहराने नहीं दे रहे थे तो तब मैंने एक ही बात पूछे कि तो आप किसके मतलब आप किनको मानते हो,
तो उन्होंने बताया था, उसमें भी मेरे एक शिक्षा के विचारों से ही बात हुई। हॉस्टल बचाने के लिए भी मैं अपनी शिक्षा के विचारों पे बात की, और उस समय भी यही बोले कि आप ये बताइए, आप इस भारत देश के हो ना, तो बोले हाँ, आप सबसे ज़्यादा किनको मानते हैं, तो भगत सिंह को, ऐसे चंद्रशेखर आजाद को, मतलब भगत सिंह को, इनको हम मानते हैं, ये माओवादी का बोलने का। तो मैं बोली भगत सिंह भी तो इसी तिरंगे के लिए शहीद हुए हैं, इसी राष्ट्र तिरंगा झंडा के लिए इतनी कुर्बानी, ऐसे ऐसे लोग कुर्बान दिए, फिर उस झंडा का अपमान कैसे कर सकते हैं, ये नहीं होने दूंगी, चाहे झंडा का कुछ भी हो जाए, हम इसी को पहनाए। तो तब फिर वो पहन गए, बाकी सारे स्कूलों में काला झंडा पहना। उस बात को भी उसने मुझसे गाली दिया कि तुम अपनी बड़ी बड़ी बातें करती, ये तुम्हारी औकात है, ऐसा कर सकते हो, इतना झूठा बातें करते हो, ये सब, क्योंकि उसको मतलब मीडिया वाले ने भी कैप्चर किए थे, वो भी छापे थे उस समय कि जब इलियास राम तिरंगा झंडा फहराया गया और बाकी में काले झंडे का फहराना। तो ऐसे करके फिर वो तो उसके यही गाली देना, ये सब करना, फिर मेरे साथ इतने निवस्त्र करके जो हरकतें किया, उसके बाद फिर बाहर गए, फिर पुलिस जो वहाँ ड्यूटी में, तो उनको बुला के ले गए, फिर अंदर भेजे, मतलब इतना क्रूरता के साथ उनका हरकतें था। और उसके बाद बोले कि अब इसके साथ वही करो जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं क्या बोला हूँ वो करना चाहिए तुम लोग को, आदेश दे। बाहर से मैं इतना थोड़ा थोड़ा सुनी कि आप जाओ और उसको ना उस लायक मत छोड़ो कि ये औरत जेल जाने के बाद उसके दीवारें सर में तो मतलब वो सब उस दीवार से सर को तोड़े और मर जाना चाहिए, इस सर शर्म सर करो इस औरत। तो ये आए चार जन, मतलब कोई पैर को पकड़े, फिर मेरे को करे, फिर मेरे कितने गंदे तरीके से उसमें, वो भी मतलब एक कहना चाहिए रेप के ही उस कट घर में आ गए। फिर मैं उनको बहुत गिड़गिड़ाने लगी, बोलने लगी मेरे साथ ऐसा मत करो, आपकी उम्र के मेरे भाई हैं, ये सब है, मैं भी तो एक आदिवासी हूँ, आप लोग भी आदिवासी ही हो ऐसा लगता है, ऐसा वो थे नहीं थे मैं उतना नहीं केयर कर पा, मतलब ऐसे मैं अपना वो बोलने लगी। तो वो तो उनके सामने मैं कितनी भी हो करूँ रो कुछ तो नहीं, फिर वो मेरे ऊपर ही मतलब टच करने लगे, तो मुझे बहुत वो लगा कि ये क्यों मेरे साथ इतना करे, मेरे तीन तीन बच्चे हैं ऐसा, तो मेरे को मेरे से वो नहीं हो पा रहा था, मैं क्या क्या उनको बातों को कहने लगी। उसके बाद फिर ना वो तो उठ तो गए मेरे शरीर से, लेकिन उसके बाद फिर जो पत्थरे जो लाए वो तो उस समय नहीं पता चला कि पत्थर ला क्या ला, फिर ये पैरों को फैला के रखे, फिर मेरे हाथों को रखे, फिर कोई डालना चालू किया, तो मेरे को ऐसा लगा कि कोई चीज़ ऐसे कुछ मेरे उस अंग में डाल के टेच रहे हैं, मतलब वो कोई डंडा से घुसा रहे थे कि हाथ से, मेरे को समझ में नहीं, पर जलन बहुत देने लगा, बहुत तकलीफ होने लगा। तो मैं चीखती रही एकदम, मतलब चिल्लाती रही मत करो मत कर, फिर चिल्लाते चिल्लाते दर्द को सह नहीं पाए, फिर बेहोश हो गए। उस दौरान फिर बाद में मेरे साथ क्या क्या हुआ और कैसे उस जगह पर बरते गए, तो मैं बेहोश हो गई। फिर मेरे कुछ जगह से मेरे तो पूरी निवस्त्र थी, मेरे पास कोई कपड़े भी नहीं थे उस समय, और बाद में वो जब रात सुबह हुआ तो मैं उस जगह में नहीं थी, मैं दूसरे जहाँ पर मैं सोई तो वो जगह को दे, तो देख के मैं जब उठ रही हूँ तो मेरे को एकदम अजीब से लगने लगा, एकदम कमजोरी हो जाए, मैं उठ नहीं पा रही थी। फिर एक चाय मांगा कि मेरे को एक चाय दे, एक चाय मिल सकती है क्या करके, फिर एक महिला ने चाय ला के दी। उसके बाद फिर बोले जल्दी तैयार हो, कोर्ट ले जाना है, आज कोर्ट फेस करना, ऐसा बोला। उसके बाद धीरे से मैं बाथरूम में गई, तब मेरे शरीर से पत्थरे गिरे, मतलब जब पत्थर को मैं देख रही हूँ तो ये तो मेरे शरीर से गिरे। उसके बाद फिर बाथरूम में जाके मैं खुद अपने हाथों से भी उस जगह को टच करने की कोशिश, तो बहुत दर्द, और फिर कुछ पत्थरे वहीं निकल गए और कुछ अंदर रह गए, फिर वो मेरे से नहीं, फिर इतनी दर्द हुआ, फिर मेरे एकदम चक्कर टाइप का वहीं आया, मैं गिर गई। फिर मेरे को अस्पताल ले गए पुलिस वाले, फिर उस जगह पे कोई मीडिया ने थोड़ा सा टच की, मतलब उसको देख लिया और फोटो खींचा, जो भी किया, उस समय का वीडियो तो शायद है कहीं कहीं, मैं देखते रहती हूँ कि मैं कितना चिल्लाती रही। फिर वहाँ से मेरे परिवार को नहीं बताया कुछ नहीं, फिर बाद में मेरे परिवार को पता चला। फिर इस हालत में मेरे को अस्पताल इलाज करके कोर्ट ले गए, कोर्ट में 20 सीट में मेरे को सुला के रखे, कोर्ट में बिना पेश किए मेरे को जेल भेजे हैं और एक झाड़ के नीचे में रखा गया। कोर्ट में पेशी भी नहीं हुआ तो कोर्ट में बिना मतलब मेरे को ये कंडीशन में लेके आए, और उसके बाद कोर्ट में लाए एक कागज, बोले यार दस्तखत कर, मैं बोली मैं नहीं करूँगी दस्तखत, मेरे को नहीं करना है दस्तखत। तो फिर मेरे को क्या बोले, अगर यहाँ दस्तखत नहीं करोगे ना तो फिर से हम लोग अपनी कस्टडी में ले रहे हैं। तब मेरे को लगा कि अगर मैं इनकी कस्टडी में चले गई तो और मेरा हालत बुरा करने वाले हैं ये लोग, यहाँ क्या करेंगे मेरे को नहीं पता, ये सच्चाई कि मैं दस्तखत करूँगी तो जेल ले जाएंगे। तो मैंने दस्तखत कर दिया, दस्तखत करने के बाद ना उसके बाद मेरे को क्या करें, मैं सोचा भी दस्तखत करेंगे तब तो कोर्ट पेश करेंगे बोले, फिर मैं
दस्तखत कर दी। दस्तखत करने के बाद मेरे कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया, उल्टा फिर वापस मेरे को थाना तरफ लेके आए। तब मेरे भाई लोग देख लिया, वो बोला मेरी दीदी को फिर थाना क्यों ले गए। फिर वहाँ कविता श्रीवास्तव के तरफ से कोई एक टीम आई थी, वो मेरे को बोले कविता श्रीवास्तव के घर में तुम थी, बताओ तुम थी ना घर। मैं नहीं थी, मेरे वहाँ गई नहीं हूँ, मैं राजस्थान उधर गई नहीं, मैं क्यों जाऊँगी, मेरे को वहाँ क्यों लेना देना, ये झूठ बात है। नहीं, कविता श्रीवास्तव बोली है कि मेरे घर आई थी, मैं उसको रखी थी, वो तो हमारी दोस्त है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर। मैं वो कुछ नहीं जानती कि मेरे को नहीं पता, मेरे कविता श्रीवास्तव को मैं इसी नाम से जानती हूँ, पर मैं नहीं मिली। ये बोल के फिर मैं वापस मतलब ये बोले, फिर मेरे भाई चिल्लाने लगे, तब फिर मेरे को जेल के लिए फिर वहाँ से निकाले दंतेवाड़ा से। फिर जेल में लाए तो जेल का वो अधीक्षक इतने अच्छे थे जो आज मैं सोचती हूँ। तो मैं तो पूरी बेहोशाल ही टाइप की थी, मेरे उठ नहीं सकती थी मेरे को, क्योंकि इतने मारे थे ना कि मेरे रीढ़ के हड्डी में भी दर्द था, तो नहीं हो कर पाते। तो उसने देखा कि इस कंडीशन में मैं इसको जेल का दकीला नहीं दे सकता, आप लोग क्या करके लाए क्या नहीं करके लाए, मैं जेल में दकीला दूंगा, कल को कुछ होगा तो पूरी बात मेरे ऊपर आई, ऐसा बताते हैं वो, ऐसा बोल के वहाँ से वापस कर दिया। तो वो जगदलपुर के जेल में रखे, उसके जगदलपुर जेल में रखने के अस्पताल में रखे, वहाँ के डॉक्टर भी रिफर कर दिए, बोले यहाँ इलाज नहीं हो सकता। पूरी घायल अवस्था में थी ना, उठ नहीं सक रही थी, पूरा रीढ़ की हड्डी में मेरा मतलब पीट उसमें लगा हुआ था, सूजन हुआ था, मेरे सिर में सूजन हुआ था। तो वो बोले डॉक्टर फिर रिफर कर दिए कहाँ, रायपुर में। रायपुर में रिफर करने के बाद फिर रायपुर के अस्पताल में रखा गया, मेकाहरा में। उसके बाद बोलते ये बहुत झूठ बोलती है, नक्सलवाद है, ये मांदर वाली गाली वहाँ भी दिए। फिर ग्लूकोज चढ़ रहा था तो ग्लूकोज हटा के फेंक दिए पुलिस वाले ने, और उसके नहीं चलने के कंडीशन में भी मुझे चलाते, पीछे से लाते मारते, मतलब मेरे को धक्का मारते, पूरे जेल तक लाए पैदल, कम से कम कुछ नहीं तो आधा किलोमीटर से ज़्यादा लाए। ये वही पुलिस वाले थे जो थाने में रात में थे या ये अलग अलग पुलिस थी? और सारे लोगों का व्यवहार एक जैसा? एक जैसा ही था। अच्छा। फिर उसके बाद लेके आए, लेके आने में जैसे जेल के गेट में मैं पहुंची तो मेरे को ना एकदम मतलब लात मारे, मैं गेट उस पर गिरी। तो उसके बाद मैं जैसे ही गेट में उस पर गिरी तो मैं उठ नहीं सक रही थी। तो मेरे को क्या बोलते हैं कि चल उठ, वर्षा डोंगरे अग्रे मैडम थी, तो वो उठ बोले, मैं बोली नहीं उठ पाऊँगी, मेरा बहुत हालत खराब। झूठ बोलती है तुम, ये सब बड़ी बड़ी कारनामा करते तब वो नहीं होता है, माओवादी माओस्ट हो ना तुम, ऐसे करके उसने भी मेरे को चौं। फिर वो बाद में मेरे को जेल के अंदर कर दिया, रायपुर जेल। फिर वो आ गए, उसके कुछ समय के बाद मेरे को जब कोर्ट में पेश किए तो वही वशनिकर मैडम थी, और कैसे हो क्या है हालचाल कैसी, जज वही थी जज। तो मैं जज को एक ही बात बोला, मैडम अगर उस दिन पूछे होते और मेरे को अपना कोर्ट में या बुलाए होते मैं सब बातें बताती, आप क्या मेरे को इंसाफ दिलाओगे करोगे, न्याय देने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं है, जो करना तो कर दिए। आपने एक बार पूछ लेते कि आपके साथ क्या हुआ, आप अच्छे हो कि नहीं, आपके रिमांड देने से लेने से पहले मैं आपके सामने खड़ी थी, और उसके बाद आपने मुझे देखे बिना मेरे को जेल भेज दिए, ये ऐसा आपने क्यों किया, आपके पास न्याय देने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं आप क्या न्याय दोगे मेरे उससे हुआ। फिर उसके बाद जब जब मेरा उसके कोर्ट में केस चलता था तो वो मेरे को कभी ऐसे सर उठा के नहीं देख पाती थी, क्योंकि इतनी शर्मिंदगी टाइप के अपने आप को करती थी वशनिकर मैडम। तो ये सी चलता रहा। फिर उसके बाद फिर रायपुर जेल में रही कुछ समय तक, उसके बाद जगदलपुर जेल में, फिर रायपुर जेल में भी वही कि माओवादी है, माओवादी करके मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित करते थे। तो बाहर में तो शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, तो जेल के अंदर मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया गया। कभी कपड़े जला देना, मतलब कीड़े का खाना देना, और मतलब सामान ना देना, कई तरह की चीज़ें हुई। फिर मैं जेल में जो बोलते हैं ना आज की मेरे अंदर की लड़ने की ताकत कैसे आई, फिर यहाँ से फिर मेरे को जगदलपुर जेल में वहाँ भी गई, वहाँ भी रखते थे, यहाँ भी रखते थे, रायपुर और जगदलपुर और तिहाड़ और कलकत्ता में भी रखे, चार जेलों में लोगों में। तो उस दौरान क्या हुआ, मैं बहुत रोते रहती थी, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे साथ जो हुआ ये चीज़ किसी के साथ नहीं हुआ होगा, ऐसे कैसे किसी के साथ होता होगा। तो तब मैं सोती थी तो रोती थी, मैं खाना नहीं खाती थी, कुछ नहीं खाती। महिला बहन बहुत थे, उनमें से दो महिलाएं मेरे को सीधा उठा के लेके गए, लेके जाके मेरे को बोले दीदी आज उठो, तो मैं उठ के ले गई, बाथरूम में ले गए। बाथरूम में ले जाने के बाद वो ऐसे दिखने में इतनी अच्छी अट्टी कट्टी खूबसूरत, मतलब महिलाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन बाथरूम ले जाके अपने कपड़े खोले, कपड़े खोलने से उनका स्तनों को जब वो बोले कि आप क्या सोचते हो दीदी, आपके साथ जो हुआ हमारे साथ नहीं हुआ, यहाँ कौन सही है जिनको जेल में जिसको भी लाया गया ना, किसी के साथ बलात्कार हुआ तो किसी के साथ कुछ किया। तो उन्होंने अपने ब्लाउज को खोला तो एक मतलब महिला बहन का जो निप्पल कटा हुआ था
और एक का ना पूरा एक एक तरफ से करंट शॉर्ट दे के पूरी वो धार धार कर दिए थे, ऐसे ऐसे कर दिए थे, और एक तरफ से ना कटा हुआ था, एक महिला का ना पूरा काट दिए थे, बहुत भद्दा दिखता था उसका चेस्ट शरीर, तो एक का तो ऐसे झूल रहा था, ऐसे निप्पल जो होता है ना ऐसे, तो बोलते हैं कि आप दांतों से काटा गया है मेरा, और इसको मैं काट के फेंकने का मन करता है ऐसा, और बार बार मेरे को गुस्सा और मेरे को वो शर्मिंदगी को ऐसा दिलाता है, पर मैं देखो ये शरीर लेकर हम जी रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, आप तो पढ़े लिखे हो ना, आप पढ़े लिखे हो तो आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, आप हिंदी बोलते हो, हमारा कौन सुनेगा, आपका कोई सुनेगा, आप बोलो ना दीदी, आप कुछ करो ना दीदी। वो लड़कियां महिला बहन लोग ने इस बातों को मेरे को एक जग मतलब वो दिया, तो उस दिन से मैं रात को भैरक में आके मैं सोचती रही, और मैं सोने से भी मतलब पूरी रात सोचा कि बाप रे उनके साथ इतना कुछ होने के बाद कपड़े पहन के अपने आप को ये बता रहे हैं कि हम लोग ठीक ठाक हैं, तो उन लोगों ने कहने लगे कि हम तो यहाँ से जाने के बाद भी अगर छूट भी जाएंगे तो हम अपने समाज और परिवार में नहीं जाएंगे, हम माओवादी के पास चले जाए, क्यों जाओगे आप लोग माओवादी के पास, नहीं जाना माओवादी के पास। तो उन्होंने कहने लगा ये सब शरीर को लेके हम किसके पास जाएं, कौन से में हमको शादी करके हमको अपना भी लेगा, तो अंत में एक दिन हमारी ज़िंदगी क्या होगा, किस समाज में ये शरीर को लेके जिएंगे, नहीं जी सकता माओवादी के लिए। तो वो जब हुआ उसके बाद मेरे अंदर में मेरे आत्मा से मेरे की एक आवाज़ आई कि मुझे लड़ना चाहिए, मेरे साथ इतना कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें हो रहा है, ये कब तक ऐसे हो रहा है। फिर एक 13-14 साल की मतलब बच्ची थी, वो जंगल में लकड़ी लेने गई थी, तो वहाँ पर पोर्स ने पकड़ा और उसके साथ बलात्कार किया, उसके पेट में बच्चा पनपने लगा, तो उसको ये नहीं पता था मेरे अंदर में बच्चा, वो बोलती थी मेरे पेट में कुछ गोला घूम रहा, हम भी सोचे गोला ही घूम रहा है, उसके बाद जब उसको टेस्ट कराने ले गए तो उसका पेट में बच्चा था, तो वो उसके बाद हम लोग बताने लगे कि तेरे पेट में बच्चा है, तो इतनी रोती थी और इतना दुख होता था हम लोगों का कि वो देखो ये पेट में बच्चा, बच्चा क्या होता है, बच्चा कैसा होता है, वो खुद उसको समझ में नहीं आया। फिर जैसे जैसे पेट उभरा तो वो बच्चा को डिलीवरी करते हुए एक टॉयलेट की जगह पे वो फेंकने की कोशिश की, उन महिलाओं ने देख लिया तो उसको तो बाहर निकाल के 2-3 तपड़े मारे, फिर नर्स बुलाए और अस्पताल ले गए, फिर बच्चे आया तो बेटा जन्म हुआ। तो वो बाद में वो अपने स्तनों से दूध नहीं देती थी, वो मतलब अब उसका उम्र भी ज़्यादा नहीं था, उसको हम सब लोग ने मिल के हाथों को पैरों को पकड़ के उसके स्तनों से हम लोग साफ करके दूध निकालते थे, इतना रोती थी, मतलब ये सारा चीज़ें जो है ना मेरे को जेल के अंदर में बहुत सारी चीज़ें मिली, मतलब मैं उतने 2.5 साल के मैं जेल काटी हूँ, उसमें ऐसा एक दिन या एक रात ऐसा नहीं हुआ जो कि मैं मतलब महिला बहनों को दर्दों को ना सुना, मेरे ना 2.5 साल भी कम पड़ गए हैं कि उनके दर्दों को सुनने के लिए बच गया, पर हर दिन उठती थी और उनसे एक एक महिला बहन का तो ये सारे बातों को जानने के लिए मुझे 2-3 दिन लगता था, कितनी मतलब कैसे बेहर है, और महिलाओं का अलग अलग, क्योंकि एक महिला का तो डिलीवरी हुआ तो उस जंजीरों में जकड़ के रखे थे, और उसको जब दूध पिलाने का होता था ना तो वो बच्चे को इस साइड नहीं कर पाती थी, जंजीर को पूरा ऐसे बांध के रखते थे, तो वो इस साइड बच्चे को लाने के लिए वो बोलती थी कि मेरे को इस साइड बच्चा चाहिए, तब जंजीर खोलते थे, तो एक हाथ से बच्चा को रखती थी फिर थन को पिला, फिर उसको ऐसा लगा ऐसे ऐसे हालात हैं। फिर उसके बाद सोनी सोनी का वहीं से ये लगा कि अब हमको लड़ना चाहिए, फिर मैंने मेरी लड़ाई मैं जेल के अंदर से ही शुरू कर दिया कि मुझे कैसे है। फिर उनके बीच में मैं इरोम शर्मिला को याद किया कि वो कितने लंबे समय से, अच्छा इरोम के बारे में आपको पता था मतलब, अच्छा पता था इरोम शर्मिला क्या कर रही है, कितने लंबे समय से वो भूख हड़तालों में बैठी है, वो नहीं इतने इतने सालों से वो नहीं खा रही है, भूख हड़ताल कर रहे, तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं लड़ सकते, ये सारी चीज़ें फिर हमके जेल के अंदर में चर्चा होने लगा। फिर जैसे ये सीमेंट मतलब ये चूना को पोतवाते थे उन लोग, इतना काम कराते थे हमारी महिला बहनों, तो ब्लाउज पहने रहते थे ना वो पूरा आके यहाँ रुक जाता था, वो ये बड़े बड़े एकदम जले जैसे जल जाते हैं ना, वैसे व्यक्ति का शरीर कैसा दिखता वैसे पूरे जल जाते थे, हाथों से पोतवाते थे, फिर टॉयलेट चूना गिरता था तो ऐसे ऐसा करते तो इधर से गिर जाता था, वो उसे पोड़ा पुंछी मतलब उनके शरीर में हो जाते थे जेल में ये सब, हाँ। और जब ना मतलब टॉयलेट में भर जाता था तो महिलाओं से निकलवाने बोलते थे, तो मैं महिलाओं से निकलवाने बोलते थे, उसको पूरे साफ करवाते थे, टंकी को साफ करवाते थे, तब ना फिर ना मैं बोलती थी ये कैसे खाना है दीदी, आप आज बोल रहे हो कैसे खाएंगे, हम तो खा ही रहे हैं ये सब करके भी खाते हैं, अगर यहाँ पर ना पेट भरने के लिए नहीं खाना, जिंदा रहने के लिए खाना, कीड़ा भी दिखा देंगे तो भी खाना है, वैसी गंदगी को भी साफ करके खाना, हम तो इतने साल से यही सब जिंदगी मतलब जूझ रहे हैं, ऐसा ही खा रहे हैं, मत ऐसा सोचो करके। फिर बोलते थे, मैं बोले ये सब गंदगी को
इतना साफ करके कैसे खा सकते हैं मैं सब। अरे मैं ऐसा एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ों को मेरे को देखने मिला। फिर वहाँ से फिर मेरी भूख हड़ताल चालू हुई। जेल में आपने भूख हड़ताल भी किया? 2 महीने भूख हड़ताल किया। तो उस समय ये एनी राजा वगैरह आए, 2 महीने के बाद रायपुर जेल में भूख हड़ताल की, नहीं कहती थी। फिर उससे मेरी डिमांड थी कि हमारे पेट भर के खाना चाहिए और हमको जो मीनू के हिसाब से सब्जी दाल चाहिए, क्योंकि मीनू लिखा रहता था। मैं एक अधीक्षक हूँ तो मेरे को बोर्ड में देख ली थी, सोमवार को भिंडी की सब्जी है तो रहाल दाल है, मंगलवार को उड़द दाल है तो मतलब उसमें आलू बड़ी की सब्जी ऐसा, और एक व्यक्ति के लिए कितनी डाइट है देना चाहिए वो सारा लिखा हुआ था। लेकिन उसके नीचे में लिखा तो उसके ऊपर में कुछ और, कोई अधिकारी आने से उसको हटा देते थे, तो मैं उसको देख ली थी। तो फिर मैं ये मांग कर ली कि यो ही डाइट हमको मिलना चाहिए, क्यों नहीं दिया जाता है। फिर उसके लिए फिर 2 महीना तब मैं भूख हड़ताल गई, फिर पेपर चाहिए, फिर जो महिलाओं को बहुत मारपीट करते थे वो मारपीट बंद हो जाना चाहिए, अब मीनू के हिसाब से हमको खाना चाहिए, साफ सुथरा हमको चावल चाहिए, ये सारे चीज़ों का बातें हुआ। तो तब जाके फिर असर हुआ आपकी भूख हड़ताल का? अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। तो इसलिए फिर जब ना मैं रायपुर जेल में भी हुआ और जगदलपुर में बहुत हालत खराब थी, महिला जेलों में अलग से अब खाना बनता है, तो अलग से उनकी पूरी खाना पहले पुरुषों के जेल से आता था, फिर अलग से खाना बनने लगा, तो बोलने लगे, आज भी लोग याद करते, तो सोनी दीदी इसलिए आई थी यहाँ चीज़ को बदलने के लिए। दोस्तों, इस देश में शासन प्रशासन न्याय व्यवस्था पर थूकने का मन करता है, जब पता चलता है कि तत्कालीन दंतेवाड़ा एसपी अंकित गर्ग, जिसने सोनी सोरी और तमाम आदिवासी महिलाओं के साथ क्रूरता और निर्लज्जता की सारी हदें पार कर दी थी, उसे तत्कालीन राष्ट्रपति, जो खुद एक महिला थी, प्रतिभा पाटिल, राष्ट्रपति पुरस्कार देकर सम्मानित करती हैं। दोस्तों, साल 2014 में न्यायालय द्वारा आखिरकार सोनी सोरी को रिहा कर दिया गया और उनके ऊपर लगे आरोप फर्जी पाए गए। जेल से बाहर आने के बाद सोनी सोरी ने अपने साथ हुए अत्याचार को आदिवासी महिलाओं के संघर्ष में बदलने का निश्चय किया और सोनी सोरी ने दोगुनी हिम्मत के साथ गांव-गांव जाकर आदिवासी महिलाओं से बात करती और उनके साथ हुए जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए हौसला बढ़ाती हैं, उनके साथ हुए जुल्म के खिलाफ शिकायत दर्ज करने को कहती हैं। वह मुखर होकर बस्तर की महिलाओं को न्याय दिलाने लगी। जेल से आने के बाद उनका जीवन आसान नहीं रहा, राह चलते लोग उन्हें ताने देते, उनके साथ हुई जेल में यौन हिंसा का बार बार जिक्र करके उन्हें शर्मिंदा करते। ऐसे ही एक दिन एक मामले में जब सोनी सोरी 11 फरवरी 2016 के दिन जगदलपुर से अपने घर लौट रही थी, तब 3 अज्ञात लोगों ने उनके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया, जिससे उनका चेहरा पूरी तरह झुलस गया। इस हमले में उनके आंखों की रोशनी जाते जाते बची। दोस्तों, सोनी सोरी संघर्षों की जीती जागती मिसाल हैं। सोनी सोरी पर इतने अत्याचार हुए कि उन्होंने उनको तोड़ने के लिए पितृसत्तात्मक हथकंडे अपनाए गए, लेकिन इन्हीं अत्याचारों को सहते हुए उनमें हिम्मत आई और निडरता से अपनी बात कहती हैं। उनके साहस और आदिवासी समाज के हक अधिकारों के लिए संघर्ष को देखते हुए सोनी सोरी को राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मानों से नवाजा गया और साल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के 5 लोगों के साथ सोनी सोरी को भी फ्रंट लाइन डिफेंडर्स अवार्ड फॉर ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स एट डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, वीरांगना सोनी सोरी का संघर्ष बस्तर में आज भी जारी है। बस्तर के गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर से सोनी सोरी के पास जब पुलिसिया हिंसा और मानवाधिकार हनन की खबरें आती हैं, तब वह तत्काल अपने घर से दिन हो या रात निकल पड़ती हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करती हैं। सोनी सोरी का मानना है कि वह आज भी इस लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक तरीके से लड़ रही है, सरकार आज भी पूंजीपतियों के साथ मिलकर आदिवासियों पर जुल्म करती है, जल जंगल जमीन आदिवासियों के हैं और संविधान ने भी इन जंगलों का अधिकार आदिवासियों को ही दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। दोस्तों, यदि वंचित समाज की आवाज़ को मजबूत करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीरांगना सोनी सोरी
और तमाम आदिवासी महिलाओं के साथ जेल में हुई क्रूरता की सच्चाई पहुंच सके। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।